मुझे मेरी सिस्टर ने बताया हुआ था उनके बारे में कि बहुत अच्छा दारुल अमान है, बहुत अच्छा एक फैमिली जैसा माहौल है। तो माँ बाप नु नहीं दसिया? इतनी प्यारी है बच्ची है, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत, और एज भी वो 20 बता रही है लेकिन मुझे लगता है वो 15-16 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है। इसका ये बाजू पे चोट लगी हुई है। तो ये पढ़े लिखे तबके का भी ये मसला है कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन स्टिल वो अपनी माओ के पल्लू से ही बंधे होते हैं। बेटे ऐसे ही वो माँ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो ये समझती हूँ जहाँ पे आपको कुछ नहीं ना मिल रहा उतने तुसी भी ना किसी का लिहाज करो। एंड पे तलाक ही लेनी है ना, सिर पाड़ के निकलो उतों भी वो भी किसी जगह ना रहे। मटन चखी है? मटन तो नहीं चखी। ये तुम्हारे हस्बैंड ने बनाया? ठंडी होगी। दारुल अमान जाना है। आहो बस अभी ऐसे ही है। मेनू आप बड़ा अजीब लगता पिया घरों आके ते अबू नू किंज लगता होगा। उत्थे दी गल ही होर है, खुला आसमान खुला वेड़ा। इतने तो आके मैं गर्मी बड़ी लगती पी। कब आपने आना है? मैं जल्दी आऊंगी, चलो जल्दी जल्दी आऊंगी। जल्दी जल्दी आ जाना। पागल है इंज के? ओए जी सब बस ठीक ठाक ठाक। सोना मेरा बिल्ला सोना। आपने यहाँ पे जहाज उतारने अपने करना ठीक है ना? तू आएगी तो करी ठीक। मुछा बुदिया हो चलो बच्चों सलाम प्यार दे सारे पुत्र बहुत बहुत बढ़िया। हां चलो जी अल्लाह लेके जा रही है चीजें। अभी अच्छा ये बच्चों के लिए ले रही है, बच्चों के लिए चीजें। अच्छा चलो चलो। अच्छा अबू जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखें जी आज ये सूट पहन के जाना है, ये वाला ये, और इसका जो मैंने देखा नहीं ट्राउजर ले लिया। ट्राउज़र पाकिस्तान एडे छोटे छोटे ट्राउज़र है, अधियाँ अधियाँ लत्तां नंगियाँ। फिर सना ने सुबह ये उधेड़ा, यहाँ से यहाँ तक इसको उधेड़ा और नीचे इसके ये लेस अभी लगवा के लाई है, तो फिर ये कहीं पहनने के काबिल मुझे लगा। ठीक है आज हमने दारुल अमान जाना है और उसके साथ ये वाइट दुपट्टा, तो ये जी मैं वहाँ पहन के जाऊँगी आज। ठीक जी ये हमने लेके जाना है दारुल अमान आज वहाँ बच्चों के लिए, औरतों के लिए। ये फ्रूट लिया है हमने और ये हमने मिठाई जो है ना स्पेशल, ये सना अभी गई भी थी सुबह की और ये बनवा के लाई है, और कुछ वैसे उनको देंगे क्योंकि ईद पे मेरा प्लान था जाने का तो वो तो लेट हो गई, अब्बू के पास थी इस तरफ नहीं आना हुआ, तो कुछ उनको जो मैंने सोचा हुआ था ईद पे वो भी दूंगी और साथ ये लेके जाएंगे वहाँ पे, और अल्लाह कबूल करे सबका जिन जिनका इसमें हिस्सा है। मेरी समरा से बात हुई थी जो ओनर है इनकी दारुल अमान की, उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट का है लेकिन फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है उस तरह से सपोर्ट नहीं हो सकता गवर्नमेंट का, आपको पता ही आजकल क्या हालात हैं, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करते हैं जिसकी वजह से ये दारुल अमान बहुत अच्छा चल रहा है और पंजाब में
पहले नंबर पे आया, तो मैंने कहा आज हम चलते हैं आपको विजिट करवाते हैं। हम दारुल अमान जा रहे हैं अभी। अच्छा, हम लोग घर रह गए थे बस वो लेने गए, अभी आते हैं तो फिर हम जाते हैं। अच्छा दो मुझे दे दो, ये रह गए थे जी। चलो हम पहुंचे जी दारुल अमान, और बहुत ही अच्छा इदारा लगा, साफ सुथरा, हरियाली सी, ग्रीनरी सी, पौधे सन। एक जगह का आपको पता चलता है जब उसके इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा हो। समरा जो यहाँ की इंचार्ज हैं पिछले 10-12 सालों से वो यहीं पे काम कर रही हैं, और इदारे को बहुत अच्छा उन्होंने संभाला हुआ है। वो बड़ा खुश हुई, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया फूलों के साथ। साथ में मेरी सिस्टर थी, उनके एक दो और फ्रेंड्स थीं जो कि जिनके हस्बैंड काफ़ी वेलफेयर काम करते हैं सोसाइटी में, वो लोग भी साथ आए। तो इतने से बैठे फिर समरा ने हमें बताया कि इदारा जो है वो डेली बेसिस पे औरतें यहाँ पे आती जाती हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है उनके ऊपर, और ये उनको प्रॉपर यहाँ पे तहफ़ देते हैं, सेफ़ रखते हैं, और हर तरह का उनका ख्याल रखा जाता है। जिहड़े बच्चों के नाल आंदियां ने उन्होंने बच्चों दी भी सारिया जरूरत पूरियां कीतियां जांदियां ने। और हमें ये भी बताया यहाँ पे न्यूज़ वाले भी आए हुए थे जिनसे समरा ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, और इनके जो सिक्योरिटी थी वो भी सब आई, वो भी हमें मिली। यहाँ से हमारा जी दौरा शुरू हुआ। हम इनका जो एक लिविंग रूम है जहाँ पे ये सब औरतें फिर आना था उन्होंने, उत्थे असी जा के बैठ के, और समरा ने यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन कराया। उन्होंने बताया सबको कि भाई मैं यूके से आई हूँ और मुझे पता चला था इस दारुल अमान का, और मैं यहाँ पे इन सबको मिलने के लिए आई। वो उधर ही वो दे देगी समरा बाद में बच्चों का। हाँ ले दस एक पैक। मैं अभी आती हूँ आप लोगों के रूम में। अच्छा मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं बड़ी दूर से आई, मुझे बताया था बाजी ने, तो मैंने कहा मैं जाती हूँ। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें आसान करे। अभी आते हैं आपके रूम में। ठीक है ठीक है। तो कैसा मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और एक आप कहें कि एक एहसास हुआ है कि औरत का कहते हैं कोई घर नहीं होता, माँ के घर जाती है तो फिर आगे ससुराल, ससुराल से भी अगर उसको कोई ना पूछे तो माँ बाप भी नहीं पूछते कभी कभार। तो उसके लिए ये एक ऐसा इदारा मुझे लगा है जहाँ पे औरतें सेफ फील कर रही हैं। बहुत सी मैंने खवातीन देखी हैं जिनके ऊपर तशद्दुद, अभी उन्होंने बताया है एक बच्ची का बाजू टूटा है, हस्बैंड ने मारा उसको, तो ऐसे हालात में वो कहाँ जाए। यहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला है, यहाँ पे उनको उनका ख्याल रखा जा रहा है, और वापस भी शायद वो चली जाएंगी थोड़े दिनों में, लेकिन एक टाइम होता है ना ग्रीफिंग का जिसमें उनको थोड़ा सा टाइम मिले अपने आप को समझने का, टाइम लेने का कि उन्होंने आगे क्या करना है। उसके लिए ये इदारा है, किसी घर से कम नहीं है। और मैं यूके से यहाँ आई हूँ इसीलिए मेरा विजिट का मकसद भी आज ये था कि ये आवाज़ बाहर तक जाए कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे जो फाउंडेशन हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम देखे बगैर सपोर्ट करते हैं। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने देखा है यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा है, बिल्कुल एक घर जैसा माहौल है। तो मैं अपनी वॉइस के थ्रू जितने मुझे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, अभी जो हमने चैरिटी की है उसमें भी बहुत सपोर्ट किया, आइंदा मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ तो हम इस दारुल अमान के लिए यहाँ पे कुछ कर सकें जिसमें फैसिलिटीज़ हों औरतों के लिए, यहाँ पे कुछ पढ़ने की सीखने की, कुछ हुनर उनके हाथ में ऐसा हो कि वो जब वापस जाए यहाँ से तो अपने लिए कुछ बेहतर जिंदगी। हम इनको वेलकम कहते हैं, और इनके थ्रू ये कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी हमारा ये मैच आएगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी एजुकेशन है जहाँ पे खवातीन और बेसहारा खवातीन को जो शेल्टर दिया जा रहा है,
और अच्छा लगता है इन्होंने सब बच्चों के लिए बड़ी अच्छी गिफ्ट लेके आई हैं, खवातीन को भी और स्टाफ को भी इन्होंने याद रखा उनकी अमदाद की। फिर इनका टेम्परेरी रिहाइश होती है, ये अब जितने दिन रहना चाहे रह लेती हैं। अच्छा, फिर जब इन्हें जाना होता है इनकी एप्लीकेशन हम कोर्ट में भेजते हैं। अच्छा, फिर सिक्योरिटी आती है वो इनको कोर्ट में लेके जाती है। अच्छा, फिर कोर्ट से इनके जो ना वो स्टेटमेंट इनकी होती है। अच्छा, फिर ये वहाँ से रिलीज होती है, फिर घर जाती है। फिर घर जाती है जब इनकी सुलह हो जाती है। मीटिंग होती है हफ्ते में दो दिन ना। अच्छा, मंडे और थर्सडे हम मीटिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, इनके एजेंट से ही मिलना चाहिए वो भी कोर्ट के ऑर्डर के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो बहुत सेफ है फिर, अगर वो नहीं सेफ फील करती तो हाँ, ना जाना ना जाए। हाँ, अगर जब कुछ इजी फील करती है कि मेरा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया दारुल अमान दे इस एरिए च वॉक करदिया होया मैं महसूस करना चाहती सा कि इत्थे रहण वालियां औरतां की महसूस करदियां होणगियां। अपना वो कहिंदे औरत दा कोई घर नहीं हुंदा, खावंद का घर फिर माँ बाप का घर, माँ बाप दा घर नहीं ते खावंद दा घर, ते जदों वो भी घर ना होए ते वो कित्थे जाण। तो ये एक ऐसा इदारा था, ऐसा साफ सुथरा, मुझे लगा जैसे कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, वे इतना अच्छा था। समरा ने फिर हमें साथ फिर के सारे रूम्स दिखाए, कमरे दिखाए जहाँ पे इन औरतों का स्टे था। और समरा ने ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं इसको, जो कोई आते हैं बाहर से, ये वो दिखा रही थी मुझे कि कुछ डोनर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस इदारे को अच्छा चलाने में, उन सब की पिक्चर्स भी यहाँ पे लगी हुई थी। ये डे केयर सेंटर है, डे केयर सेंटर। हाँ जी, ये बच्चों के लिए। अच्छा, स्टाफ के बच्चे और जो रेजिडेंट्स आती हैं उनके बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये इधर टीवी है उनका, उनके टॉयज हैं, उनकी जो सारी चीजें हैं ये स्टाफ के तो ये बता रही है, ये बता रही है कि ये भाई कोर्ट के थ्रू आती है यहाँ पे बकायदा, जिनके ऊपर अब्यूज होता है तो फिर यहाँ पे आती हैं, रहती हैं। जो यंग लड़कियाँ हैं वो 3 से 4 साल भी स्टे करते हैं और फिर ये शादियाँ भी उनकी करवाते हैं यहाँ से। अब तक 9 शादियाँ करवाई हैं। 9 शादियाँ करवाई हैं। हाँ। अच्छा, और उसको सारा जहेज देती हैं और डोनर्स जो ना वो। अच्छा, डोनर्स हेल्प करते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ये किचन है, ये किचन है, आ जाए। उनका वैसे हम लोग समझते हैं कि शायद उतने अच्छे नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि इसमें लोग भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तभी इतना अच्छा इसको मेंटेन रखा जा सकता है। नहीं तो आपको पता ही है हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात है और जिस तरह की मुश्किलात है, उसके लिए कभी भी इनफ बजट नहीं रहा कि जिसमें वो चीजें पूरी हो सके। लेकिन इनका क्रेडिट इनको भी बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अदरवाइज ये भी सोच सकती थी कि गवर्नमेंट का इदारा है तो जैसे बाकी चल रहे हैं, बाकी चल रहे हैं, कोई वैसे दारुलमान है पंजाब का तो बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन भी दे रही है। नहीं, नो डाउट के नंबर 1 होगा माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ये क्लासरूम है, क्लासेस होती है ना सुबह, रिलीजियस क्लास होती है, अच्छा क्लास होती है। अच्छा अच्छा, हां जी, क्लास का इसको बिजी रखना ना एक्टिविटी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी लग रही है? वो ले रही मैं कि सैलरी अपने बैठ। अच्छा अच्छा अच्छा, सिक्स है। अच्छा, और एक ये 20 की कैपेसिटी का बना। अच्छा, 20 की कैपेसिटी। हां जी, 20 नौकरी है ये दारुलमान गवर्नमेंट की तरफ से। आप चले जाइए ना, आपको कैप्चर कर ले कैमरे। अच्छा, तो मेरे। हां जी, अच्छा ये, हां जी, चले। गुड, तो 20 लोगों के लिए। डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे हैं ना, वो 20 लोगों के लिए। अच्छा, डिवीजन में 50 लोगों के लिए। डिवीजन में 50। हां जी, अच्छा। अभी फिलहाल इधर ही आप इधर आओ।
अच्छा ये बच्ची हमने देखी थी, ये देखें इसके बाजू पे चोट लगी हुई है। आप कहाँ से आई हो? शोरकोट तो। अच्छा तो शादी हुई सी? जी। कितनी देर हुई? डेढ़ साल। डेढ़ साल है। की वजह बनी इथे आने की? जान का खतरा से? माँ बाप नु नहीं दसिया? अच्छा इतनी प्यारी है बच्ची है, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत, और एज भी वो 20 बता रही है लेकिन मुझे लगता है वो 15-16 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है। इसका ये बाजू पे चोट लगी हुई है और वो बता रही है कि उसको मारते थे, बहुत ज्यादा तशद्दुद करते थे। तो अब फिर इतने रहना हूँ? तलाक लेनी। अच्छा तो देखें ये फ्यूचर है पाकिस्तान में। हम लोग ना शादियों की, ये तो खैर तबका बेचारा गरीब है, वैसे भी मैं कहती हूँ बेटियों की शादियों में ना इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं हम लोग क्यों बोझ समझते हैं बेटी को कि फटाफट शादी कर दो और भेज दो, उसके बाद फिर ना माँ बाप पूछना चाहते हैं, ससुराल वालों को भी लगता है बस साड़ी जागीर है जो मर्जी करो इधर। तो अच्छा ये आप कहाँ से आई? कोट लगा। अच्छा 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 तुसी किस तरह आए सो? जैसे अम्मी कहती थी ना वैसे ही करता था, जूती कपड़ा भी नहीं लेके देता था, बस यही मसला सी। मारदा भी सी तो लड़दा भी सी। ये तो पढ़े लिखे तबके की भी प्रॉब्लम है। तो अब बेटे घर बसाना है, ये क्या कर रहा है? इसने भी डिवोर्स लेनी है। तो ये पढ़े लिखे तबके का भी ये मसला है कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन स्टिल वो अपनी माओ के पल्लू से ही बंदे होते हैं बेटे, ऐसे ही है। वो माँ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत अफसोस होता है मुझे कि घर एक खराब हो जाता है एक बंदे के होल्ड की वजह से कि वो कंट्रोल रखे सारा। तो हम शादियां क्यों करें बेटों की? फिर आप अपनी मर्जी चलाएं उनके ऊपर। तो ये बहरहाल मैं वही कहती हूँ ना, इंग्लैंड में क्वीन नहीं है हमारी, ये मसला उसके घर का भी है। क्वीन दे कार तो लेके जिथे मर्जी तुम चले जाओ, वहां यही मसले है। सास बहू की लड़ाई, ससुराल की लड़ाई, झगड़े, तो तलाक लेके की करना फिर? दूसरी शादी करते जे उन्हें भी मारिया है। मैं तुहानू ना एक गल दसा, कदी भी ना अपने आप नू कमजोर नहीं समझना। जेड़ी औरत अपने आप नू कमजोर समझती है ना, वो कहंदे ने उसले खोता भी शेर हो जांदा। जी वाकया गल। तो शादी एक कर लो भावे 10 कर लो, तुसी आप नहीं ना अपने वास्ते खलोना, तुहानू हर अरे घरे ने मार के टुर जाना। अपने जड़ा ना अपने वास्ते आप खलोवो, जड़ा मारदा ओदा हाथ फड़ लो, हाथ तोड़ दे ओदा। तुहानू उहने मारिया घरों कढ़ दिता, तुसी ओदा की बिगाड़िया? मैनू पोतर मरेंदा। बेटा भी मारदा? जी हां। हां मैनू भाई मरेंदे। क्यों मारदे ने सारे पागल ने, मैनू दस। फिर भी मारे? क्यों? क्यों मारदे सर? आप देखें, मुझे इतना अफसोस होता है कई जगहों पर औरतों ने घर खराब किए, औरतें नहीं जीने देती हैं, बंदा बेचारा मैं कहती हूँ रुल जाता है, उसको ना मेहनती भी होगा कमाने वाला भी होगा लेकिन औरत अच्छी नहीं मिलती। लेकिन जहाँ पे औरतें देखें कितना सफर कर रही हैं, आदमी कदर नहीं करते मारते हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ जहाँ पे आपको कुछ नहीं ना मिल रहा उतने तुम भी ना किसी का लिहाज करो, एंड पे तलाक ही लेनी है ना, उसका सिर पाड़ के निकलो उतो ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।
दोपहर के खाने का जी टाइम हो गया और समरा ने बहुत ही तकल्लुफ ट्रेडिशनल तरीके से खाना जो है मिट्टी के बर्तनों में इन्होंने सर्व किया हुआ था। और इन्होंने कहा कि ये सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है और आप हमारी मेहमान हैं, तो आज का जो है पाकिस्तानी खाना ट्रेडिशनल खाना वो हमारी तरफ से जो है वो होगा और आपको याद रहेगा कि आपने हमें विज़िट किया था। तो वाकई एक घर था जहाँ पे एहसास हुआ जाके कि यहाँ पे रहने वाले लोग भी और इसको चलाने वाले लोग भी कितने जेन्युइन और कितने खूबसूरत हैं। और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी, इनके हस्बैंड ने मटन कढ़ाई बनाई हुई थी। ज़ाहिर है यहाँ पे औरतें थी तो आदमी तो कोई आ नहीं सकता था, और जो इनके कुक थे बस शेफ थे वही उन्होंने खाना यहाँ पे सर्व किया। और बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। मैं कहनी हूँ हर डिश में से पाकिस्तान की खुशबू और मिट्टी के बर्तनों में विच खाने दी तो मैं कहनी हूँ गल ही होर सी। तो थैंक यू सो मच समरा, आप अगर ये देख रही हैं। और मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगी जो समरा ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अगर सपोर्ट करना चाहें दारुल अमान में डोनेट करना चाहें, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी पाकिस्तान आई तो इंशाल्लाह यहाँ का दोबारा विज़िट करेंगे। हम इनको पूछेंगे यहाँ कौन सी फैसिलिटीज़ ये चाहती हैं जिनमें इनको सपोर्ट किया जा सके, जो औरतों को हर लिहाज से उनकी मदद की जा सके। तो ये समरा का एक मैसेज था जो मैंने आप लोगों को दिया। और ये खाना इनका अपना घर का है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप मटन तो रिजेक्ट की, मैं तो हांडी मटन रिजेक्ट कर दूं। ये तुम्हारे हस्बैंड ने बनाया है, यानी ठंडी होगी, ठंडी नहीं होगी। मैं अच्छी बना के मट्टी का जग देखें कितना खूबसूरत है। इसी ग्लास में डाल दो मट्टी मेरे भाई। हां जी, इसमें डाल दें। सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है, मटन बहुत ही टेस्टी, कोई तेज मसाला नहीं है, बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बना हुआ है। थैंक यू। ये देखें जी, चीजों का जायका बकायदा निकला हुआ है। बस वेरी टेस्टी। बाहर के मुल्कों में सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की कमी सानू जिंदगी च हमेशा महसूस होंदी है। असीं हमेशा कल्ला कल्ला क्यों महसूस करने हैं? और मैं यही समझती हूँ कि खुशी देना ही जिंदगी में सुकून का दूसरा नाम है। दूसरों के बारे च सोचना, अपने टाइम चो कुछ कढ़ के उन्हां दा भी कुछ करना। यहाँ पे समरा ने हमें दिखाई ये मोमबत्तियाँ, कैंडल्स जो बच्चियों ने बनाई हुई थी खुद, ये यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी, इन्होंने ये भी हमें दिखाई। और फिर यहाँ पे समरा का आपको बताया कि घर जो है वो साथ ही है, इनकी अम्मी उस वक्त सो रही थी पहले, तो इन्होंने कहा चलें ये अपनी अम्मी से भी मिलवाती हैं। तो हम इधर से चल के जा रहे थे जी समरा के घर, और आपको वहाँ चल के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अम्मी को ठंड लगती है, बुखार हो गया सुबह, ठंड लगती है। ये बड़ा अच्छा है, ऐसे ठीक है। ये मैंने कहा मैंने समरा का बहुत मानती हूं, समरा बेस्ट है। मैं बता देती हूं भाई, समरा में तेरा कोई हाथ बुखार की सही बात है, लग नहीं रहा बुखार। अब मेरे को लगता है कि आप टेंशन लग रही है अम्मी, कल ना अब्बू की बरसी है ना, तब भी कल हां और वो मेरे उनकी वजह से ना अब ये बस यही होता ना, जो कोई समरा और मुझे ना रोए तबीयत और खराब। हां रोए नहीं, गवर्नमेंट स्कूल कौन सी जगह पे, गांव में था माशाल्लाह। अम्मी कहते थे तुम्हारा दारुलमान सबसे अच्छा ना, ऐसे मेरा स्कूल स्कूल सब वो तुम्हें पर वही चीज है ना, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ना, और उधर रखी थी हमारे उधर ड्रोन की थी ना। तो अम्मी कहते वो मेरी यही कहती थी, यहाँ आके मुझे स्कूल मिलता है, हर काम इतना अच्छा हुआ होता है। हाँ तो आंटी ने इतने घर डाल दिए। हाँ अम्मी बहुत अच्छा काम करती है, 40 years। अच्छा चले, अल्लाह आपको सेहत दे, आपको सलामत रखे अपने बच्चों के सर पे, और मेरे लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, ठीक है। चले बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे फिर आपसे मिलेंगे।
टीचर अच्छा 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 वालेकुम सलाम काम कराते हैं अच्छा लें जी यहाँ हमने चाहे इजाज़त और अब हम जा रहे हैं घर। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।